नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हाथरस में युवती के साथ हुई दरिंदगी के मामले में न्याय की मांग को लेकर के कांग्रेसियों ने आज प्रदर्शन किया। लालवती चौक के समीप स्थित अंबेडकर पार्क के पास में कांग्रेसी मौन सत्याग्रह पर बैठे। पूर्व विधायक एवं सीपीएस प्रहलाद सिंह गिलाखेड़े के नेतृत्व में आज किए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या से कांग्रेसियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जिस प्रकार से पूरे प्रकरण को भाजपा सरकार ने लिया है उससे उनकी मंशा स्पष्ट नजर आती है। यूपी में प्रशासनिक अधिकारियों ने देर रात अंधेरे में युवती का दाह संस्कार कर दिया। उसके परिवार को एक प्रकार से नजरबंद रखा गया है। किसी भी मीडियाकर्मी अथवा नेताओं को मिलने के लिए कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए जा रहे थे। भाजपा सरकार के अधिकारियों ने उन्हें रोका और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये मांग भी की है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। वहीं प्रदेश राहुल गांधी के दौरे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल से प्रदेश में राहुल गांधी दौरा करेंगे। अगर कोई उन्हें रोकने का प्रयास करेगा तो हर कांग्रेसी उनके आगे खड़ा हो जाएगा। पल पल फतेहाबाद से विशेष रिपोर्ट। आज का हमारा कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मौन सत्याग्रह जो अभी हाथरस के अंदर कांड हुआ, जिस दरिंदगी के साथ मनीषा की हत्या हुई, आज सारी कांग्रेस पार्टी ने सारे देश के अंदर योगी सरकार को जगाने के लिए और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए ये मौन सत्याग्रह हमने आज रखा। 10 से 12 तक सारे हिंदुस्तान में हरेक जिले हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी की तरफ से ये मौन सत्याग्रह था और इसके पीछे मकसद एक ही है कि जो जाति हुई कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि उस लड़की के और उस परिवार के साथ जो जाति हुई उसकी न्यायिक जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब सरकार योगी सरकार ने कह दिया भी हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा देंगे, लेकिन वो परिवार कहता है हमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की देख रेख में होनी चाहिए। तो अब हमें इस बात का खतरा है कि जिस तरीके से यूपी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस केस को दबाने के लिए रात को 2:30 बजे उसका संस्कार किया, हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही भाई। चाहे उसकी डेथ किसी कारण से हुई, कोई रीजन थे, लेकिन हमारे हिंदू समाज के अंदर ये कोई रीति नहीं है कि सनसेट के बाद में किसी का दाह संस्कार हो। और सारे काम को पुलिस के जरिए, आप तो पत्रकार हो, आपको सारी बात का पता है, आपने देखा खुद अपनी आंखों से कि किसी पत्रकार को, किसी दूसरे आदमी को, इवन के उनके रिश्तेदारों को भी, उसके परिवार के लोगों को भी उनके नज़दीक नहीं जाने दिया और रात को 2:30 बजे उसकी लाश को जो है जला दिया गया। अब हमें समझ में नहीं आता इसके पीछे कारण क्या था। जब ये इंक्वायरी हो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज की देख रेख में, तो ये सारी बात सामने आए। उसके बाद में फिर सरकार ने जो लोग वहाँ पर सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और दूसरे हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता है वो वहाँ पर गए, पहले दिन गए, सरकार ने नहीं जाने दिया। ये तो राहुल जी का, उनकी भावना थी कि उस परिवार को ढांढस बंधाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर एक ये रोहित है कि कोई भी डेथ हो जाए तो हम उस परिवार के पास इसलिए जाते हैं कि दुख बढ़ता है, जब हम इकट्ठे होते हैं दुख बढ़ता है। वो दुख बांटने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर कोई राजनीति करने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार ने क्यों वहाँ पर लाठीचार्ज किया, क्यों उनको रोका गया। और दोबारा जब फिर राहुल जी ने और प्रियंका जी ने कहा हम तो जाएंगे क्योंकि हमारा ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कोई हमें रोक नहीं सकता, तो उनको इजाजत दी वो 5 आदमियों को, वो जाके उसको ढांढस बंधा के उनकी बात सुन के आगे मेरे को बताओ भी क्या दिक्कत आ गई। अब क्या मांग है जी आपकी? अब हमारी तो कांग्रेस की मांग है भी इसकी सही इंक्वायरी होके और जो भी कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त मिले, ये कांग्रेस का मुख्य मांग। आज से राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा भी शुरू हो रही है, तो अनिल विज का एक बयान था कि नहीं आने देंगे, लेकिन बाद में कहा पंजाब से रश के माध्यम से नहीं आने देंगे। राहुल जी कल 10 बजे आएंगे, राहुल जी का कल 10 बजे का प्रोग्राम है। राहुल जी का प्रोग्राम ये है कि राहुल जी कल 10 बजे पंजाब से पिहोया का जो बॉर्डर है, देवीगढ़ बॉर्डर, वहाँ से एंट्री करेंगे। सारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जितने भी हमारे नेता है
उसमें मुख्य तौर पे हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं विवेक बंसल जी, उनके नेतृत्व के अंदर सारी कांग्रेस पार्टी विवाह के उस बॉर्डर के ऊपर हम सब वहाँ पर स्वागत करेंगे। रोक सकते ही नहीं, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर भी साहब कहे चाहे कोई कहे, ये प्रजातंत्रिक ढंग से राजनीतिक आदमी कोई भी अपनी बात कहने के लिए आ जाए। राहुल गांधी जी अब यूपी में गए, सिर्फ एक उस दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ, उस परिवार को ढांढस बनाने के लिए यूपी सरकार ने कोशिश की। आज राहुल गांधी हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसानों का दर्द बटाने के लिए आ रहे हैं। जो तीन काले कानून अध्यादेश जारी किए हैं सरकार ने, जिसमें कि किसान, मजदूर, आड़ती, छोटा व्यापारी, सारे के इंटरेस्टों को जो नुकसान पहुँचा है, हमारी ये मांग है कि ये तीनों रद्द होने चाहिए। और इसलिए आज किसानों का, और ये जो मोदी सरकार है, खट्टर सरकार है या यूपी योगी सरकार है, ये चाहती नहीं कोई आदमी किसी की आवाज़ उठाए। लेकिन आज हम ये दावे के साथ कहते हैं कि कल राहुल जी पिहाड़ में आएंगे, हरियाणा में एंटर करेंगे, किसान की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे। और जैसे पंजाब में उन्होंने कह दिया कि जिस दिन भी कांग्रेस की सरकार सेंटर के अंदर बनेगी, इन तीन अध्यादेशों को हम खारिज कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। तो सरकार में कोई दम है तो रोक के दिखा दे। होम मिनिस्टर ने ये भी कहा है ना कि जी अगर वो अकेले आते हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा, अगर भीड़ के साथ आते हैं तो वो आपदा कानून, प्रबंधन कानून लागू है, इसलिए रोका जाएगा। ये कानून उनसे ज्यादा हम भी जानते हैं कि कोरोना की महामारी है। प्रयास रहता है कि जितने सोशल डिस्टेंसिंग है सारा सिस्टम बना के रखे, हमारा प्रयास भी यही रहता है प्रजातंत्र के अंदर। और अब ये बड़ौदा के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, आपने देखा, ये कहते हैं कि 100 आदमी इकट्ठे ना हो, ये ना हो, ये इनके जो मंत्री वहाँ पर जाते हैं बड़ौदा के अंदर चुनावी सभा करते हैं, इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाते हैं, दूसरे मंत्री जाते हैं, वहाँ पर इन्होंने कितना क्या किया है, कोई कानूनी कार्रवाई की है इन्होंने? तो इसलिए राहुल गांधी जो आज आ रहे हैं तो इनको ये सारी बातें नजर आ गई। और दूसरी, ये रोकने का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल जी के साथ अपनी छाती पहले अड़ा के खड़ा होगा और उनको हम हरियाणा के अंदर लेके आएंगे। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि ये जो यूपी का आज हमने धरना दे रहे हैं, इसकी पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जैसे हमेशा प्रयास रहता है, पहले उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की, अब ये इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जिस तरीके की पंचायतें हो रही हैं, जिस तरीके से हो रहा है, तो इसको जाति का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान जो है वो बाकी जो मुद्दे हैं देश के, चाहे वो बेरोजगारी है, किसान की बात है, दूसरी समस्याएँ हैं, उन सारी समस्याओं से हटके और एक तरफ घूमते रहें और ये जो कांड है इसका इस तरीके से वो करें। तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये इस तरीके के मामले में कम्युनल रंग देने का कोशिश ना करें, देश को बांटने का प्रयास ना करें, जो सच्चाई है वो सामने लेके आए। हम ये नहीं कहते वहाँ पर क्या हुआ, हम ये सिर्फ एक ही मांग करते हैं, चाहे कल्प्रिट कोई भी हो उसको सजा मिले, हमारी तो ये मांग है। और ये देख लेना, इसको कम्युनल रंग देने की भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीयत रही है और अब फिर ये प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये Thank you.